भाई साहब आप लोग कैसे आए हो? एकदम बढ़िया होंगे। तो यार आज हम लोग इधर आए आगरा बॉम्बे हाईवे, तो हम लोग कहीं जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, मेरे भाई लोग बताएंगे। बताते हैं पर ऐसे नहीं। भाई सही बता रहा हूँ, पहली बार इतनी गाड़ी भगाई, मजा आ गया। तुम दोनों उड़ो मत, यदि मैं रहता है तुम दोनों को उड़ा देता। हाँ साउंड कैसा था? अच्छा था ना? और जो शॉर्ट्स थे वो इससे भी अच्छे थे। और भाई यार एक बात समझ में नहीं आ रही, लुक तुम्हारा राइडर वाला है, विंटर वाले तुम्हारे कपड़े, शॉर्ट आ रहे शॉर्ट जा रहे, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको सब कुछ समझाएंगे पर यहाँ से नहीं, जामगेट के जंगलों में। तो चलिए चलते हैं। आर यू रेडी प्रेम? ठीक है, तो यहीं से आपको सारी बात समझाने वाले। तो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा हुआ कि हमारा लुक राइडर वाला है, कपड़े हमारे विंटर वाला है, पर इन दोनों का कोई ऐसा तालमेल वगैरह नहीं है। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं जा नहीं रहे, हम जा रहे हैं बाकी विदाउट बाइक के, और हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश टूर पे, वो भी बिना पैसों, यानी कि इस पूरे सफर को हम लोग हिच हाइकिंग, मैंने आप लोग बोल सकते हो कि लिफ्ट लेके ये सारी चीज़ हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और इस सफर को लेके हमारी क्या कुछ तैयारी रहने वाली है आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। हाँ तो भाई साहब फाइनली टेंट वगैरह लग चुका, और यार टूर को लेकर हमारी क्या कुछ तैयारी रहने वाली मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। देन यार यहाँ पे मेरे पास कई सारे इक्विपमेंट वगैरह है, वो भी मैं आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके का हमारा गैस वगैरह रहने वाला है। तो इस तरीके से फोल्डेबल रहता है, तो इसको इस तरीके से हम लोग ओपन करेंगे। देन इसी के साथ यहाँ पे ये जो बोतल वगैरह होती है मतलब गैस के अंदर, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगी। देन यहाँ पे इसमें लाइटर वगैरह सब कुछ है, तो स्टार्ट करते ही मतलब आग वगैरह जल जाएगी। तो अभी मैगी वगैरह बनाएंगे जब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, देन इसी के साथ इसके कुछ बर्तन वगैरह भी होते हैं, मतलब दो लोगों का खाना आप लोग आराम से बना सकते हो। कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसकी पैकेजिंग वगैरह होती है, और ये सारी चीज़ आप लोगों को अगर परचेस करना है तो आप लोगों को इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से निकाल सकते हो, मतलब की जानकारी ले सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, फोल्डेबल है एकदम, और कुछ इस तरीके के बाउल वगैरह जो कि आप लोग इसमें मतलब मैगी वगैरह जो भी बनाओगे वो खा सकते हो। देन यहाँ पे एक और चीज़ है, ये भी एकदम फोल्डेबल है, और इसी के साथ यहाँ पे एक चम्मच वगैरह देखने को मिलता है, जो कि बढ़िया मतलब आप लोगों का खाना वगैरह बन जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ये कुछ मैंने अपने ट्राईपॉड्स वगैरह रखे हैं जो कि शूट के दौरान मुझे काम देंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने मेन यहाँ पे एक मेडिकल किट बनाई है, जिसके अंदर मतलब सारी मतलब सर्दी खांसी बुखार सारी मतलब गोली दवाई रखी है, जो कि हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमने हमारी सेफ्टी का भी ध्यान रखा है, तो यहाँ पे कुछ इस कुल्हाड़ी वगैरह को रखा है, जो कि हम लोग जब नाइट में कहीं पर रुकेंगे, ठीक है, कैंप के अंदर, तो कोई जंगली जानवर वगैरह आएगा तो वहाँ पे हम लोग इसका मतलब यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बस सेफ्टी के लिए होना चाहिए। देन यार यहाँ पे कुछ इस तरीके के फोल्डेबल ये मतलब ये है, ठीक है, चाकू वगैरह, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जो कि हमारे हमेशा जेब में रहने वाला है, जो कि हमारी सेफ्टी के लिए सही रहने वाला है। ठीक है, देन और भी कई सारे चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक हैमर है, जो कि मतलब मल्टीपल है, इसके अंदर आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो कि चाकू वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से एकदम, ये देखो, तो आप लोगों को सारी नई की नई मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ, जो कि मतलब सफ़र हमारा रोमांचक भरा रहना चाहिए। ठीक है, एंड और भी यहाँ पे मैं चीज़ें दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे GoPro का स्टैंड वगैरह है,
देन यहाँ पे हमारा गिम्बल वगैरह जो कि शूट के दौरान हमारे को काम में आने वाला है, चार्जर वगैरह जो कि सारी चीज़ें हम लोगों ने रखी है देन ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने और भी कई सारी चीज़ें रखी, यहाँ पे ड्रोन वगैरह जो कि शूट के दौरान काम देने वाला है, एंड यहाँ पे पावर बैंक वगैरह हो जाती है, यहाँ पे लाइट वगैरह हो जाती है ठीक है। और यहाँ पे एक ये लाइट वगैरह रखी है जो कि नाइट में शूट के दौरान हमारे को काम देने वाली है ठीक है। इनको चला के क्या ही मैं दिखाऊँ, क्योंकि दिन में कोई उसका मतलब ही नहीं है, कोई बात का सेंस ही नहीं है ठीक है। तो और यहाँ पे हम लोगों ने माइक वगैरह भी रखा है जो कि काम देगा हमारे को। देन फिर उसी के साथ यहाँ पे एक फोल्डेबल बोतल जो कि इसके अंदर हम लोग पानी वगैरह भर सकते हैं, कहीं पे भी पानी वगैरह मिलेगा जो हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। फिर और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ इमरजेंसी मतलब ये है पॉकेट ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या, यहाँ पे ओट्स वगैरह हम लोगों ने रखी है, मैगी वगैरह रखी है जो कि अगर हमको भूख वगैरह लगती है इमरजेंसी में, अगर कोई नहीं मिलता कुछ, कोई बंदा हेल्प वगैरह नहीं करता है, तो इन सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ करने वाले। वैसे तो हम लोग लोगों से हेल्प वगैरह मांगे क्योंकि यार 0 रुपये मतलब हम लोग कर रहे हैं विदाउट मनी के कर रहे हैं, तो यार सफ़र बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी देन मतलब नए नए लोग भी देखने को मिलेंगे। और ठंड को लेकर हमारी क्या कुछ तैयारी रहने वाली वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस तरह का कम्बल वगैरह रखा है जो कि टेंट के अंदर हम लोग नाइट में यूज़ कर लेंगे ठीक है। देन उसी के साथ यहाँ पे कुछ टोपे वगैरह रखे, ये गले का ये मफलर वगैरह आप लोग बोल सकते हो ठीक है, एंड ग्लव्स वगैरह जो कि नाइट में हम लोग पहन लेंगे। देन साथ ही साथ यहाँ पे ये जैकेट वगैरह जो कि हमारे को काम देगा ठीक है, कुछ इस तरीके से पहन के दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है तो मतलब हमारी एमपी में इतना कोई मतलब धूप वगैरह तो रहती, मतलब धूप क्या बोल रहा हूँ, हमारे एमपी में इतनी ठंड वगैरह नहीं रहती है। बाकी फिर भी हम लोगों ने हमारी सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें रखी है, मतलब बाहर जा रहे भैया ठीक है ना, मतलब समझ सकते हो आप लोग। तो ये हमारे पास ये कुछ चॉपिंग बोर्ड वगैरह जो कि यार इसके ऊपर हम लोग कुछ भी काट सकते हैं, लाइक आप लोग बोल सकते हो अगर बारिश वगैरह होता है तो हम अंदर के अंदर ही मतलब गैस वगैरह को जला सकते हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस तरीके के शूज वगैरह लिए, ट्रैकिंग शूज जो कि हमारे को मतलब हर जगह मतलब काम देने वाला है ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी तैयारी वगैरह रहने वाली है। अभी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें पहन के भी दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो ये कुछ ग्लव्स वगैरह है जो कि इस तरीके से मैं पहन लूँगा। देन यार नाइट में अपन लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं रख सकते ठीक है, वो मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमारा लुक रहने वाला, तो ये सारा सब कुछ प्रोसेस है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, और कई सारी चीज़ें जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करता। और ये रक्षक बैग है ठीक है, तो ये मतलब बोल सकते हो 63 लीटर का है, तो लगभग इसके अंदर 45 से 40 किलो का वजन रहने वाला है। और एक छोटा बैग मैं भी रखने वाला हूँ जिसमें 22 किलो का वजन रहने वाला है। तो भैया सफ़र बड़ा ही रोमांचक होने वाला है और बहुत मज़ा आएगा, तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखना। एंड सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ लेना है तो वो आप लोग देख सकते हो। अब यार भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो सबसे पहले मैगी वैगी बनाते हैं, खाते और आपको दिखाते हैं। भाई साहब चम्मच लाना ही भूल गए। तो अभी तक आप लोगों को बहुत सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। यार आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ये क्या ये मैगी और ओट्स के जरिए क्या पूरा सफ़र करने वाले हैं, यार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये तो हम लोग इमरजेंसी के टाइम यूज़ करने वाले हैं। बाकी जो खाने की हेल्प है हम लोग सफ़र के दौरान लोगों से ही लेने वाले हैं। और अगर आप लोग भी कुछ सपोर्ट वगैरह करना चाहो तो आप लोगों को UPI ID और अकाउंट नंबर इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप लोग सफ़र के दौरान हेल्प वगैरह कर सकते हो। और आपके द्वारा दी गई हेल्प को या फिर सपोर्ट को हम लोग कुछ ऐसी जगह यूज़ करेंगे कि आप लोगों को भी गर्व महसूस होगा, और आपके द्वारा दिए गए पैसों की हेल्प को हम लोग मतलब हमारी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करने वाले। हम लोग मतलब ऐसा फालतू कोई खर्चा वगैरह नहीं करने वाले। और यार ये मैगी वगैरह ठंडी हो रही है तो यार इसको सबसे पहले खाते हैं,
फिर आगे बातों को कंटिन्यू करते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि हम किस किस लोकेशन पे जाने वाले हैं। लाइक हम लोग जैसा देखा जाए तो हम लोग टूरिस्ट प्लेसों पे ही विजिट करने वाले हैं। अगर आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सफ़र बड़ा ही रोमांचक रहने वाला है, तो आप लोगों को रोड मैप वगैरह भी सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पहुँचेंगे जाम गेट, और जाम गेट से हमारे सफ़र की शुरुआत होगी। तो यार यहाँ से हम लोग लिफ्ट लेते हुए इंदौर, इंदौर से सीधा हम लोग महाकाल की नगरी उज्जैन पहुँचेंगे, फिर सीहोर, भोपाल, सांची, चंदेरी, शिवपुरी, ग्वालियर, झांसी, ओरछा, खजुराहो, चित्रकूट, मैहर, फिर माँ नर्मदा नदी के उद्गम स्थल यानी कि अमरकंटक पहुँचेंगे। फिर सीधा हम लोग जबलपुर, भेड़ाघाट, पंचमणी, भीमबेटका, ओमकारेश्वर, मांडू और महेश्वर, और महेश्वर ये हमारी लास्ट लोकेशन रहेगी। तो कुछ इस तरीके की हमारी जर्नी रहने वाली है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आप घर से बाहर जा रहे हो, वो भी बिना पैसों के, तो आपके घर वालों को आपकी कोई चिंता विंता नहीं होगी क्या? ओके, सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैमरा वगैरह को सेटअप किया है और यहाँ पे गोप्रो वगैरह लगा दिया। घर वालों को कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे कैमरा वगैरह चलने वाला है, और जो भी रिएक्शन आएंगे वो देखने लायक होंगे। लेट्स सी जो भी होगा देखते हैं, ठीक है? तो फिर आप बता कब से अपन जाएंगे? 1 तारीख को अपन जा रहे हैं, अगले मंगलवार। मध्य प्रदेश में करी आ नहीं जाओ, तो मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश तो बड़ो 26 जगह है। हाँ तो मध्य प्रदेश तो बड़ो छे, जहाँ भी जान जो पहले दिन में जो तो रूपरेखा तैयार कर देगी, तो सब यहाँ करनू, यहाँ से इतनी बजे निकलनू चाहिए। हाँ वहाँ भी एरिया में देखो, कभी वैसे एरिया खराब हो तो थाना में रिपोर्ट दे दियो, हम इसी रह से निकल रहे जा रहे हैं। तो एक लोग ले को बैठा नहीं तो दोनों साथ में चलना, साथ में चलना, चलोगे तो काम थोड़ी देगा, तो भाई साहब घर वालों का कुछ इस तरीके से कहना पड़ रहा है। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह करके रख लो, क्योंकि यार वहाँ पे आप लोगों को डेली की अपडेट्स वगैरह मिलती रहेगी। साथ साथ वहाँ पे आप लोगों को रील्स के जरिए और स्टोरी के जरिए मैं आप लोगों को मतलब जो भी हमारी प्लानिंग वगैरह रहने वाली है कि हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं और आगे का क्या कुछ रहने वाला है, सब कुछ आप लोगों को मतलब अधिकतर वहीं पे देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ आप लोग हमारे को चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लो, क्योंकि यार वहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट्स और वीडियोस के जरिए अच्छा कंटेंट और जो भी हमारा एक्सपीरियंस वगैरह रहने वाला है वो सब कुछ आप लोगों को वीडियोस के जरिए हम लोग शेयर करने वाले हैं। आप लोग कर लो यार। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया